संकट के बादलों से घिरे यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। 5,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राणा कपूर ईडी की पुलिस कस्टडी में है, जिसका आज आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय फिर राणा कपूर की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकता है। राणा कपूर की पत्नी और बेटियां भी ईडी के निशाने पर है। ईडी ने राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर और उनकी एक बेटी को मुंबई एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जब वो लंदन जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा कपूर की दूसरी बेटी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसका नाम है राखी टंडन, जो 5 साल पहले 2015 में आईपीएल से सुर्खियों में आई थी। वो समय था आईपीएल के फाइनल मैच, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा था। इस फाइनल मैच में ही राखी कपूर की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसे सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया था। आईपीएल फाइनल में सामने आई राखी कपूर की तस्वीर वायरल तो होने लगी थी, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि तस्वीर में दिखाई जा रही लड़की है कौन। हालांकि बाद में लोगों को पता चलने लगा कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि राखी टंडन है। करीब 5 साल बाद फिर राखी चर्चा में है, लेकिन इस बार वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुर्खियां बटोर रही है। न्यूज डेस्क।